सुपर डांसर चैप्टर 4 के मंच पे खुद चलकर आने वाला है अरुणाचल प्रदेश। कैसे आपको सभी के सभी जजेस नजर आने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। क्या है पीछे की कहानी, आइए आपको बताती हूँ। मैं मोनिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलिए बात करते हैं सुपर डांसर चैप्टर 4 की। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे आए यार, इस बार क्या ऑडिशंस चल रही हैं। और मेगा ऑडिशंस में एक बच्चा छोटा सा कोसुम, जिसकी कहानी सुन के मैं खुद इमोशनल हो गई, मुझे रोना आ रहा था। वो बच्चा बताता है कि कैसे उसके साथ रेसिज्म होता है और लोग जो है उसको बुरे नामों से बुलाते हैं, ये तक बोल देते हैं कि वो इंडियन ही नहीं है। बहुत बुरी बात है यार, ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। तो कोसुम की स्टोरी सुन के सबके सब बहुत इमोशनल हो गए, और इसी के चलते उनकी मामा जो थी वो भी शो पे आई हुई थी उनके साथ। तो गीता कपूर जो है उनकी मदर को उस ट्रेडिशनल अटायर में देख के काफी खुश हुई, उन्होंने तारीफ की। और फिर जो हुआ वो बाकमाल था, क्योंकि द सरप्राइज ऑफ एवरीवन, जो कोसुम की मम्मा थी ना, वो सबके लिए ट्रेडिशनल अटायर्स लेके आई थी अरुणाचल प्रदेश से, जिसके बाद सभी जजेस ने ये ट्रेडिशनल अटायर्स पहने और खूब ठुमके लगाए स्टेज पे। मतलब इस वीकेंड ना बहुत टाइम बनने वाला है, बहुत बढ़िया एपिसोड आने वाला है, तो देखिएगा जरूर। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुपर डांसर 4 में कौन सा बच्चा आपका सबसे फेवरेट है। एक बात है यार, ये बच्चे इतने फ्लेक्सिबल है ना, ऐसा लगता है इनके शरीर में ना हड्डियों की जगह स्प्रिंग लगे हुए हैं, रबड़ के बच्चे लगते हैं यार, क्या नाचते हैं, है ना, है ना, है ना। तो अपना फेवरेट बच्चा कमेंट में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।